हेलो फ्रेंड्स, मतलब शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के डिफरेंसेस के बारे में। कई स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के बीच के डिफरेंसेस का वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको समझाएंगे और सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे कि UMN और LMN क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के डिफरेंस के बारे में। तो जो पहला डिफरेंस है वो है लोकेशन के बेसिस पर, कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है, अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है और लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है। बात करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन की। तो पहला जो डिफरेंस होता है वो लोकेशन के बेसिस पे होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन आपको देखने को मिलता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और लोअर मोटर न्यूरॉन आपको देखने को मिलता है ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब बात करते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन काम क्या करता है। अपर मोटर न्यूरॉन सिग्नल को ट्रांसमिट करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लोअर मोटर न्यूरॉन तक, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आपके सिग्नल्स को फॉरवर्ड करता है लोअर मोटर न्यूरॉन तक, यानी कि ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड तक। जबकि जो लोअर मोटर न्यूरॉन क्या करता है कि वो सिग्नल को रिसीव करता है अपर मोटर न्यूरॉन से और ट्रांसमिट करता है मसल की तरफ। तो ये डिफरेंस होता है इनकी फंक्शनिंग के ऊपर। अब बात करते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन आपको कब देखने को मिलेगा, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, सेरेब्रल पाल्सी के अंदर आपका जो अपर मोटर न्यूरॉन है वो डैमेज होता है। दोस्तों, अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर आपको हाइपरटोनिया देखने को मिलता है, यानी कि टोन बढ़ जाती है, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर क्या होता है कि आपकी टोन रिड्यूस हो जाती है, मसल की टोन जो है वो रिड्यूस्ड आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर आपको स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर आपको फ्लैसिडिटी देखने को मिलती है। दोस्तों, मसल टोन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको समझाया अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के डिफरेंसेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, UMN और LMN से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आप सबके जवाब को देने की। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं UMN और LMN को लेकर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching Physio Talk.